उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक छात्र ने टीचर पर 3 गोलियां दागी। चौथी लोड कर रहा था तभी पहुंच गया टीचर, बैग में रखकर लाया था तमंचा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शनिवार को 12वीं के छात्र ने स्कूल में प्रिंसिपल को गोली मार दी। छात्र ने 3 गोलियां मारी, वह चौथी गोली तमंचे में लोड कर रहा था तभी टीचर्स और छात्र आ गए। इस बीच मौका मिलते ही आरोपी मौके से भाग गया। प्रिंसिपल की हालत गंभीर है, उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को स्कूल में मारपीट करने पर आरोपी छात्र को प्रिंसिपल ने डांट दिया था। इसी बात से वह नाराज था और प्रिंसिपल के कमरे में गया, नमस्ते करके फायरिंग चालू कर दिया। वारदात सदरपुर थाना क्षेत्र के आदर्श राम स्वरूप इंटर कॉलेज की है। घटना से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया है। शनिवार सुबह 8:30 बजे प्रिंसिपल राम स्वरूप वर्मा अपने रूम में बैठे हुए थे। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी छात्र गुरविंदर सिंह स्कूल पहुंचा, वह सीधे क्लास में गया। वहां पर बैग से तमंचा निकालकर कमर में पीछे छिपाता है, फिर एक छात्र के पानी बोतल से पानी पीता है। इसके बाद वह प्रिंसिपल के कमरे में जाता है। बताया जा रहा है कि पहले प्रिंसिपल को नमस्ते किया, इसके बाद गोली मार दी। पहली गोली उनको छूते हुए निकल गई। गोली चलते ही प्रिंसिपल ग्राउंड की तरफ भागे। इसके बाद छात्र ने उन्हें दौड़ाकर मैदान में 2 गोली मारी। प्रिंसिपल ने हिम्मत दिखाते हुए गुरविंदर को पकड़ लिया, दोनों में हाथापाई हुई। तभी कॉलेज का स्टाफ भी मौके पर आ गया। गुरविंदर चौथी गोली लोड कर रहा था लेकिन स्टाफ को देखकर गुरविंदर वहां से फरार हो गया। प्रिंसिपल को कमर में पीछे की ओर 3 गोलियां लगी हैं, उनकी हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल प्रिंसिपल को CHC फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। यशो प्रदीप सिंह ने बताया कि आरोपी छात्र की तलाश की जा रही है। वारदात का पता चलते ही आरोपी छात्र का परिवार भी घर बंद करके फरार हो गया है। उनका पता किया जा रहा है। आरोपी परिवार का इकलौता बेटा है, पिता किसान है। स्कूल के टीचर्स और छात्रों ने बताया कि शुक्रवार को स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल चेक हो रही थी, इसी दौरान इंटर के ही एक अन्य छात्र रोहित से गुरविंदर का विवाद हो गया था। दोनों छात्रों में मारपीट हुई थी। इसके बाद गुस्से में गुरविंदर ने क्लास की कुर्सियां तोड़ दी थी। इस पर प्रिंसिपल राम सिंह वर्मा ने दोनों छात्रों को कमरे में बुलाया, वहां दोनों को फटकार लगाई, कहा था कि दोबारा ऐसा किया तो स्कूल से बाहर कर देंगे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान प्रिंसिपल ने गुरविंदर को थप्पड़ मार दिया था। वारदात के बाद स्कूल स्टाफ ने बताया कि शुक्रवार को जब प्रिंसिपल ने डांटा था तो गुरविंदर कमरे से बाहर आया तो उसने वहां खड़े स्टाफ से कहा था कि प्रिंसिपल ने मुझे मारा है, कल मैं उन्हें गोली मार दूंगा। प्रिंसिपल के परिजन ने भी कहा कि धमकी देने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से यह वारदात हुई है। वारदात के बाद पुलिस ने रोहित को कस्टडी में ले लिया है। रोहित से ही शुक्रवार को गुरविंदर का विवाद हुआ था। उधर पुलिस ने बताया कि आरोपी गुरविंदर की उम्र 19 साल है, पहले भी वह स्कूल में विवाद कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। बच्चे झगड़े के स्कूल में आपस में, तो इन्होंने जो बच्चा गोली मारा है उसके 2-3 झापड़ मार दिया। वो सुबह आज स्कूल आया, स्कूल के गेट पे खड़ा था, फिर अंदर गया, झोला वोला रख के, और ये स्कूल में थे, प्लस्तर हो रहा था, ये पहाड़ के ऊपर थे, और उसने बस फायरिंग चालू कर दी।